जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। माया का ऐसा फेर न जीने देती है न मरने देती। हर व्यक्ति आज के इस दौर में मोह माया जो है उस पर हावी है, और मोह माया के चक्कर में जो फंसे हुए हम मानव हैं, हम इससे निकलने की कोशिश करते हैं और सच की तलाश करते हैं, और न जाने कितनी सारी बातें, अध्यात्म की बातें और अलग अलग अनुभव, अलग अलग बातें, तमाम अलग अलग चीज़ों के इर्द गिर्द हम जीवन को तलाश करते हैं। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट्स में जय श्री महाकाल लिखे, और जो भी आपकी राय हो कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। ये घर मेरा है, ये मकान मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये ऑफिस मेरा है, तमाम चीज़ मेरा है। और अंत में इन सबको छोड़कर हम कहीं चल देते हैं एक ऐसी यात्रा पर जो हमें पता ही नहीं, जिसकी तलाश आज तक नहीं हो पाई, जिसके बारे में बहुत कुछ बातें हैं लेकिन वो सच है या नहीं उसके प्रमाण नहीं है। लेकिन मौत सच है, शाश्वत है, आज नहीं तो कल आनी तय है। लेकिन ये जो मोह माया का फिरका है, ये बहुत घातक है, जो हमें यह जीने भी नहीं देता और न चैन से मरने देता है। ये सभी के साथ हो रहा है, हर इंसान के साथ, चाहे वो इस विश्व में कहीं भी रह रहा हो, वो प्राणी मानव के साथ ये चीज उसे जी रहा है। नाम, शोहरत, दौलत या मुफलसी या अभाव, ये सभी इस जीवन का रंग है। तो इस मोह माया को यदि आप एक रंग के तौर पे एंजॉय करके जिएंगे तो बहुत अच्छे से जी पाएंगे। इसे एक अगर आप अभिशाप के लिए शराब के रूप में जिएंगे तो एक शराब के रूप में आप उसे हैंडल करेंगे। लेकिन दोनों बातों में एक बात क्लियर है कि ये सभी चीज़ें हमारे दिमाग में होती है, ये हमारी सोच का फर्क होता है। मोह और माया का जाल, इससे निकल पाना असंभव मुश्किल है। बहुत बिरले लोग हैं इस जाल से बाहर आ पाते हैं, और उससे बाहर निकलने का केवल एक सिंपल सी बात है दोस्तों, सादा जीवन, उच्च विचार, जो एक बात बोलते हैं सहज और सरल रहें। ये दो ही वर्ड है, जितना आप सहज रहेंगे, जितना सरल रहेंगे, उतना आप इसमें निकल पाएंगे। इसके अलावा कोई विशेष चीज़ कुछ भी नहीं है कि आपको कुछ विशेष करने की आवश्यकता है। यही विशेष है, दो बातें ही विशेष हैं, सहज और सरल रहना। क्योंकि ये बहुत विशेष और बहुत महंगी और बहुत कठिन बात है, ये जीवन में रहना बहुत टफ है। सुनने में बहुत सरल है लेकिन ये बहुत टफ है, ये दो ही बात है। इसके अलावा जीवन की जितनी भी बातें हैं उलझाती रहेंगी, और ये मोह माया हमें हमेशा दुख के गर्त में डालेगी। और सुख जो है वो हमारे मन मस्तिष्क में एक वहम है, उस वहम को हम पाल के रखते हैं। हर पल अच्छा है, हर पल खराब है, केवल आपकी समझ का फेर है। आप अगर अपने बुरे वक्त को भी अच्छा समझ के इंजॉय करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप ऑटोमेटिकली, आपके आसपास एटमोसफेयर बड़ा पॉजिटिव हो जाता है, बड़ा सकारात्मक हो जाता है, वो चीज़ें आपके फेवर में होने लग जाती है, और आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो हो ही नहीं सकता था, जादुई करिश्मा लग जाता है। दरअसल वो काम गणित जो करता है वो आपका अंदर का जो पॉजिटिव एटीट्यूड करता है। इसलिए आप पॉजिटिव रहें, हमेशा खुश रहें, और हमेशा ईश्वर पर विश्वास रखें। ये तीन चीज़ें, और सहज और सरल रहने का जो भी आपसे प्रयत्न हो वो कर पाए, बस यही ज्ञान है मोह माया से बाहर आने के लिए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल।